डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा शाजापुर दौरे पर पहुंचे, जहां कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को बैठक ली। उन्होंने इसी दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव को लेकर जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे, ताकि चुनाव शांतिपूर्वक निपट जाए। जिस तरह प्रथम चरण में शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हुआ, उसी तरह द्वितीय और तृतीय चरण में चुनाव हो, उसी को लेकर शाजापुर जिले का दौरा किया है। जब मीडिया ने अपराधियों को लेकर चर्चा की तो डीआईजी अनिल सिंह कुशवाहा ने कहा कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले और अपराधियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चूंकि अभी पंचायत चुनाव और नगरीय चुनाव दोनों साथ साथ ही चल रहा है, तो पंचायत चुनाव का द्वितीय चरण जो है फर्स्ट को है, उसका इलेक्शन आपको जानकारी नहीं है। तो उसी उद्देश्य से पहला उद्देश्य वही रहा है कि इस चुनाव में हम लोग जो व्यवस्थाएं अभी लगाई गई हैं वो पर्याप्त हैं या नहीं है, उसका एक समीक्षा था। साथ में क्या क्या सावधानी बरतनी है, प्रतिबंधक कार्रवाइयाँ पर्याप्त हुई कि नहीं, उसका एक आकलन हमको करना था।